हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, मैं आप सबको ब्लॉग में दिखाया था श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगा, तो आज मैं वहां जा रहा हूं। आज शिवरात्रि है तो आज मैं दिखाना चाहता हूं वहां पे कि कितना क्राउड होता है। और ये मेरे दोस्त है मेरे साथ, उदय नाम है इनका, तो इनको भी साथ में मैं लेके जा रहा हूँ। तो आप सबको आज दिखाने वाला हूँ वहाँ पे कितना क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में जा रहा हूँ। कुछ टाइम अभी हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, अभी 6 बज रहा है, तो अभी मुझे पहुँचने में वहाँ पे 15 मिनट्स 20 मिनट्स लगेगा। तो आज आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ वहाँ पे कितना क्राउड होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ ओमकारेश्वर टेम्पल श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगा। तो दोस्तों, फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पे टेम्पल दिख रहा है, वही टेम्पल है। और मैं इतने मॉर्निंग में इसलिए आया हूँ कि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं शिवरात्रि पे आया था तो मुझे दर्शन ही नहीं मिला था अपने 4-5 फ्रेंड्स के साथ आया था। तो दोस्तों, इतना मॉर्निंग में मैं इसलिए आया हूँ कि लास्ट टाइम मैं आया था तो मुझे यहाँ पे दर्शन ही नहीं मिला था, इतना ज़्यादा क्राउड था। तो उस टाइम तो मैं आया था 10 o'clock कुछ, अभी मैं 6 o'clock आया हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं दिख रही है, तो दर्शन आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आप सबको आगे मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये एरिया पूरा पार्किंग के लिए बनाया गया है, इतना बड़ा एरिया बनाया गया है पार्किंग के लिए। हम लोग अपना बाइक यहाँ पे पार्क किए हैं। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है। तो ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं पूरा ये पार्किंग के लिए है। और कार पार्किंग का एरिया आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये रहा कार पार्किंग और जहाँ से हम लोग एंट्री किए वो था। अब यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे, वो रहा आश्रम और वो रहा टेम्पल, बैक साइड से ऐसा दिखता है। और रहा त्रिशूल भोले बाबा का, गौ माता को 6 पैर है, 4 नीचे 2 ऊपर। तो दोस्तों, इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो इसलिए इसमें से लाइन बाय लाइन सब जाते हैं दर्शन करने। अभी तो पब्लिक कम है, अभी तो आप देख रहे हैं चारों तरफ, अभी 1 घंटे बाद बहुत रश होने वाला है। तो दोस्तों, अभी मैं बेलपत्र ले लिया हूँ, अभी जाके अंदर जल लूँगा, जल लेके तब अंदर एंटर करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ इधर से। गंगा जल अभिषेक का 100 रुपीज़ है 1 पर्सन का, और एकादश रुद्राक्ष देवा भस्म अर्चना का 150 रुपीज़ है। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत कम पब्लिक है। अभी यहाँ पे 8-9 बजे इतना ज़्यादा रश होता है ना, बाप रे। लास्ट टाइम हम लोग आए थे, पब्लिक देख के चले गए थे, ये हुआ चलो दूसरे टेंपल में जाते हैं। तो दोस्तों, ये सनराइज़ हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो आप सबको दिखा दे रहा हूँ। और ये रहा टेंपल, अब हम यहाँ से अंदर एंटर करेंगे। नो एंट्री विदाउट फेस मास्क, मोबाइल फ़ोन प्रोहिबिटेड। तो दोस्तों, मैं अंदर आ चुका हूँ और मेरा पूरा कपड़ा निकलवा दिया है यहाँ पे। यहाँ पे बोले कि रूल्स है ऐसा, कपड़ा निकालना पड़ता है दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। जो जल चढ़ा रहा है उसका कपड़ा निकलवा दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अंदर आ गया हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, अंदर का दर्शन हो गया। जिसको जल चढ़ाना है उसका कपड़ा निकलवा दे रहे हैं, और जिसको जल नहीं चढ़ाना है वो ऐसे ही नॉर्मल जा सकता है। मुझे जल चढ़ाना था तो मुझे वो लोग मेरा कपड़ा निकलवा दिए, तो अभी मैं ऐसा हूँ। तो अभी मैं टेंपल के बाहर जा रहा हूँ, तो मैं टेंपल के बाहर आ चुका हूँ। टेंपल के बाहर आ गया हूँ मैं। सनराइज हो रहा है।
वहाँ से मैं एग्जिट किया उस गेट से। तो दोस्तों मैं तो डायरेक्ट ही अंदर एंटर किया था, अभी ऐसा देखो चालू कर दिया है, सबको ऐसा जाना पड़ रहा है लाइन के अंदर। तो अभी धीरे धीरे जैसे ही भीड़ ज़्यादा होगा सबको इसके अंदर से जाना होगा। देखो जो पंडित लोग सब खड़े हुए हैं सब अपने इधर के हैं, यूपी बिहार के। तो दोस्तों उधर प्रसाद मिल रहा है, अभी मैं लेने वाला हूँ प्रसाद। तो दोस्तों अभी मैं पंडित जी से चंदन लगवा लिया हूँ और मेरे उदय भाई भी लगवा लिए हैं, और पीछे आपको टेंपल दिख रहा है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाएंगे तो वहाँ एक टेंपल और है आगे, आप सबको दिखाते हैं। एंजॉय कीजिए आज महाशिवरात्रि हम लोगों के साथ। तो दोस्तों हर हर महादेव। अभी बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। अभी तो हम लोग आए थे तो उतना क्राउड नहीं था, अभी आप पब्लिक देख सकते हो पीछे, वहाँ पर सब जा रहे हैं। तो दोस्तों ये टेंपल मैं बोल रहा था, दूसरा वाला टेंपल यही है मेरे पीछे, तो यहाँ पे जा रहा हूँ अभी मैं दर्शन करने। तो दोस्तों यहाँ भी दर्शन हो गया, यहाँ पे तिरुपति बालाजी को अंदर बैठाया गया है, और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हर एक धर्म का सब कुछ है, जो कि मैं आपको ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। ये बुद्धा जी हैं यहाँ पे, और फिर आगे गुरु नानक जी का है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर धर्म का है, हर धर्म का यहाँ पे बनाया गया है। ये चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा लगता है मुझे, हिंदू अद्वैता बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदू अद्वैता। तो यही है दोस्तों, चारों तरफ घूम के दिखा सकता हूँ आपको मैं। ये पूरा हर धर्म का यहाँ पे बना हुआ है, मैं तो अपने ब्लॉग में दिखा चुका हूँ तो पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप मेरा ब्लॉग देख सकते हो। ये तो आज महाशिवरात्रि था इसलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे, यहाँ पे छोटे पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ पे, इधर यहाँ पे एक शिवलिंग और है, वहाँ भी दर्शन करूँगा मैं, दिखाता हूँ आपको अंदर। तो दोस्तों अभी दर्शन हो चुका है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ प्रसाद लेने। प्रसाद उधर आगे मिल रहा है, वहाँ पे आगे प्रसाद मिल रहा है, अभी मैं वहाँ से प्रसाद लेने वाला हूँ। लाइन में सब खड़े हुए हैं, मैं भी अभी लाइन पर लग के प्रसाद लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे हाई सिक्योरिटी है आज, आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है अभी यहाँ पे। अभी इतने लोग हैं यहाँ पे, अभी धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है। जब मैं आया था तो 5-6 बाइक था, अभी इतना बाइक हो गया, और धीरे धीरे बाइक सब आ रहा है पूरा यहाँ पे। आज बाइक से पूरा भर जाएगा, बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे। तो दोस्तों वहाँ दर्शन हो गया मेरा, अभी मैं आ गया यहाँ पे सनमुखा टेम्पल पे आ गया। 10 ज्योतिर्लिंग पे दर्शन हो गया, अभी मैं आ गया सनमुखा टेम्पल। तो अभी मैं ऊपर चल रहा हूँ दोस्तों, दिखाता हूँ। अभी यहाँ भी एकदम क्राउड नहीं है, एकदम खाली है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद यहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सब टेम्पल पे आते हैं 9 बजे के आसपास, ज़्यादा लोग आते हैं, अभी बहुत कम लोग हैं इधर। फर्स्ट यहाँ पे जो कि मैं आप सबको ब्लॉग में दिखा चुका हूँ पहले, गणपति बप्पा हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर चल रहा हूँ, यहाँ भी एक शिवलिंग है, वहाँ हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अंदर शिवलिंग है, अब यहाँ अंदर जाऊँगा मैं, अंदर दर्शन करूँगा। तो दोस्तों ये रहा मेन सनमुखा टेम्पल, जो कि ऊपर मैं जा रहा हूँ आप सबको दिखाऊँगा, और यहाँ से पूरा बेंगलोर दिख रहा है, और ये त्रिशूल तो बाबा जी का है ही फेमस। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं इधर आ गया हूँ। यहाँ आज क्राउड बहुत ही कम है, और क्राउड होगा तो अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाला, 8:10 बाकी है, यहाँ पे 9 बजे इतना क्राउड होगा ना कि क्या बताऊँ। मुझे जॉब पे जाना है, नहीं तो रुक के मैं आप सबको यहाँ पे क्राउड दिखाता, बट मुझे अभी जॉब पे जाना है तो इसलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी आ गया था, और फिर वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप सब देख लेंगे पूरा। दोस्तों अभी यहाँ भी दर्शन हो चुका है मेरा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव, हैप्पी महाशिवरात्रि।